हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हमारा है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में अपने पढ़ते हैं सबसे पहले गेट बैक। गेट बैक का मतलब होता है प्राप्त करना, टू रिसीव और टू रिटर्न, यानी रिटर्न का मतलब लौटना। गेट बैक मीन्स लौटना भी होता है और प्राप्त करना भी होता है। गेट रिड ऑफ, यहाँ मैंने मीनिंग लिखा नहीं है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना किसी से, गेट रिड ऑफ। गेट अहेड का मतलब होता है उन्नति करना, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करने को अंग्रेजी में कहते हैं गेट अहेड, टू मेक प्रोग्रेस। गेट इन का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंच जाना, टू अराइव एट अ प्लेस, या कोई इलेक्शन को जीत लेना, टू विन इन इलेक्शन, इलेक्शन में जीत जाना, ये गेट इन कहलाता है। तो अपने इनका यूज, गेट का यूज पहले भी पढ़ चुके हैं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे देखिए। हमारे ये क्वेश्चन, ही हैज हिज बुक, ही हैज हिज बुक, वो अपनी पुस्तक से छुटकारा नहीं, वो अपनी पुस्तक प्राप्त कर चुका है, वापस उसको मिल गई है, तो अपने क्या लगाएंगे, हैज के बाद में थर्ड फॉर्म लगती है, तो लगाएंगे गॉट बैक, ही हैज गॉट बैक हिज बुक। ओके, दिस वन इज द आंसर, ये इसका आंसर। व्हेन डिड यू फ्रॉम अजमेर, आप अजमेर से कब, गेट बैक, गेट बैक का मतलब लौटे, यहाँ डिड है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, गेट बैक। व्हेन डिड यू गेट बैक, गेट बैक, आप अजमेर से कब लौटे। आई वॉन्ट टू ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं मेरे आलसी नौकर को वापस नहीं लौटाना चाहती, इसका मतलब गेट बैक तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, गेट रिड ऑफ, क्या आएगा, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा गेट रिड ऑफ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने आलसी नौकर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में वापस आना चाहती हूँ या वापस लौटना चाहती हूँ, गेट बैक, वापस प्राप्त करना चाहती हूँ, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना चाहती हूँ। गेट इन का मतलब होता है, सॉरी, गेट इन मीन्स टू अराइव एट अ प्लेस, किसी जगह पर पहुंच जाना, यानी मैं मेरे जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ, टू मेक प्रोग्रेस, आई वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस इन माई लाइफ, तो यहाँ आएगा गेट अहेड, तो ध्यान दीजिए यहाँ आएगा गेट अहेड, अहेड मीन्स आगे जाना, गेट अहेड, आगे जाना, उन्नति करना। द ट्रेन गेट इन लेट, अब यहाँ तो गेट इन लिखा हुआ है, द ट्रेन गेट इन लेट, सॉरी, यहाँ गेट इन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ट्रेन लेट, देरी से पहुँचती है, यहाँ गेट्स इन आएगा, गेट्स इन आएगा, तो ये जो ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक बनता, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए था, गेट इन, गेट्स इन, द ट्रेन गॉट इन लेट या ट्रेन गेट्स इन लेट, तो यहाँ लिखेंगे अपने गेट इन लेट, जी गेट्स इन लेट, एंड ट्रेन देरी से पहुँचती है। द कैंडिडेट हैज नो चांस ऑफ गेटिंग इन दिस टाइम, गेटिंग इन, इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट का इस बार जीतना मुश्किल है, तो गेटिंग इन का मतलब होता है जीतना, विन एन इलेक्शन, तो यहाँ पर गेटिंग इन जो है इसका मतलब होता है टू विन एन इलेक्शन, तो यहाँ कैंडिडेट के लिए जब वर्ड आएगा, ट्रेन के लिए जब वर्ड आएगा, तो आएगा गेट इन मतलब किसी चीज़ को अंदर से जाकर के प्राप्त कर लेना, मतलब विन कर जाना, ये गेट बैक, गेट मीन्स होता है गेट बैक, बैक माने वापस होता है, तो वापस प्राप्त करने को गेट बैक कहते हैं, तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है, गेट बैक टू रिसीव और रिटर्न, किसी चीज़ को वापस प्राप्त करने जाना, लौट जाना, ठीक है ना, गेट रिड ऑफ मतलब यहाँ लेजी सर्वेंट से गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा प्राप्त करना, गेट अहेड, यू मस्ट गेट अहेड इन योर लाइफ, अपने जीवन में आपको उन्नति करनी चाहिए। गेट इन अपने यूज कर सकते हैं, बस गेट्स इन लेट, द ट्रेन गेट्स इन लेट, है, और ही कैन नॉट गेट इन द दिस टाइम, ही कैन नॉट गेट इन दिस टाइम, वो इस बार नहीं जीत सकता, गेट इन का मतलब होता है जीत जाना, तो इस तरीके से अपने को इन फ्रेजल वर्ब्स का ध्यान रखना है, कैसे इसको यूज करते हैं इसका यूज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स देखिए, गेट राउंड, गेट राउंड का मतलब टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी आदमी को कोई चीज करने के लिए राजी कर लेना, कोई काम करने के लिए राजी कर लेना, परसुएड, गेट राउंड का मतलब होता है गेट टुगेदर का अर्थ होता है टू मीट फॉर डिस्कशन, यानी विचार विमर्श के लिए मीटिंग रखना, गेट टुगेदर, कई बार आपने देखा होगा गेट टुगेदर के पोस्ट लगे होते हैं, मतलब सारे जगह इकट्ठे होते हैं, वो भी गेट टुगेदर होती है, वो मिल करके विचार करते हैं, कोई काम करते हैं, गेट टुगेदर,
गेट अवे, क्विक डिपार्चर आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम, कोई क्राइम करने के बाद जल्दी से वहां से चले जाना, ये गेट अवे, गेट अवे। जैसे ब्रेक अवे तो होता है छुड़ा करके भाग जाना, यहाँ गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है कोई क्राइम करने के बाद भाग जाना जल्दी से। जैसे सी नोज हाउ टू हर मदर, वो जानती है कि अपनी माँ को मनाना, माँ को राजी करना जानती है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे गेट राउंड, गेट राउंड, वो अपनी माँ को मनाना जानती है। मैनेजमेंट शुड विद द यूनियन, मैनेजमेंट को यूनियन के साथ क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, तो शुड के बाद क्या आना चाहिए, गेट टुगेदर आना चाहिए, तो यहाँ गेट टुगेदर, गेट टुगेदर। द प्राइम मिनिस्टर शुड विद द ऑपोजिशन लीडर्स ऑन द नेशनल इश्यू, राष्ट्रीय इशू के ऊपर, राष्ट्रीय मामलों पर प्राइम मिनिस्टर को गेट टुगेदर करना चाहिए, मतलब विचार विमर्श करना चाहिए, तो यहाँ भी क्या आएगा, गेट टुगेदर, ठीक है ना, यहाँ पे भी गेट टुगेदर आएगा। द थीफ फ्रॉम माय हाउस आफ्टर स्नैचिंग द चेन, चेन छीनने के बाद चोर जो है मेरे घर से, एंड रिंग ऑफ माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ की रिंग भी ले गया, भाग गया, मतलब क्राइम किया और वो भाग गया, इसका मतलब यहाँ का क्या आएगा, गॉट अवे, तो यहाँ आएगा गॉट अवे, भाग गया, मतलब पास्ट का टेंस है इसलिए गेट अवे। तो गेट राउंड टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी आदमी को काम करने के लिए राजी करना, गेट टुगेदर डिस्कशन के लिए मीटिंग करना, गेट अवे, क्विक डिपार्चर आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम, कोई क्राइम करने के बाद में जल्दी से वहां से भाग जाना, ये गेट अवे, गेट अवे कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स देखिए, ये गेट के ऊपर हमने पिछले वीडियो में भी की, अब इस वीडियो में भी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए पुट ऑफ, पुट ऑफ क्या होता है, टू पोस्टपोन, स्थगित कर देना, टाल देना, कोई काम है, आज का काम है, कल पर टाल दिया, तो पुट ऑफ। या टेक ऑफ मतलब उतारना, कोई चीज उतारना, जैसे टोपी पहनी हुई है, यू कैन पुट ऑफ योर कैप, यू कैन पुट ऑफ योर शर्ट, यू कैन पुट ऑफ योर वर्क, यू कैन पुट ऑफ फॉर योर मीटिंग, मीटिंग को पुट ऑफ किया जाता है, वर्क को पुट ऑफ किया जा सकता है, कैप को पुट ऑफ किया जाता है, पुट आउट। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, मतलब क्या होता है, यू मस्ट पुट द लाइट्स आउट, यू मस्ट पुट द लाइट आउट, मतलब लाइट को आपको बुझा देना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड, एंड प्रिपेयरिंग फॉर सेल, बिक्री के लिए तैयार करना, फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्री पुट्स आउट मैनी कैंडल्स, मैनी कैंडल्स इन दिस ईयर। एंड पुट अप मीन्स टू प्रेजेंट लोज टू स्टे, पुट अप का मतलब ये था टू प्रेजेंट, टू स्टे, टू लोज। यू मस्ट पुट अप एन एप्लीकेशन बिफोर द प्रिंसिपल, यू मस्ट पुट अप योर केस अगेन, मतलब लॉज कर देना चाहिए, टू स्टे, वेयर डू यू, वेयर विल यू पुट अप इन जयपुर, आप जयपुर में कहाँ रुकोगे, तो यहाँ पुट अप का प्रयोग करेंगे। पुट अवे टू कीप समथिंग एट अ प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर प्लेस पर, किसी जगह पर कोई चीज रख देना, पुट अवे, पुट अवे, ध्यान रखना, पुट अवे का यूज ऐसे करते हैं, पुट अवे है मतलब क्या करते हैं, टू कीप समथिंग एट अ प्रॉपर प्लेस, कोई चीज प्रॉपर प्लेस के ऊपर रख देना, तो यू मस्ट पुट अवे ऑल योर इंडिविजुअल थिंग्स, सो दैट यू कैन नॉट आस्क फ्रॉम योर मदर। कंज्यूम फूड इन अ लार्ज क्वांटिटी को भी पुट अवे कहते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड को कंज्यूम कर लेना, इसको भी क्या कहते हैं, या फूड को काम में ले लेना, इसको भी पुट अवे कहते हैं। ओके तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पुट ऑफ क्या होता है, पुट आउट क्या होता है, पुट अप क्या होता है, पुट अवे क्या होता है, ठीक है ना, पुट अवे क्या होता है और ये क्या होता है, इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके सेंटेंस अपने यूज करते हैं, देखिए नेवर टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, नेवर टिल टुमारो, कभी भी कल तक स्थगित मत करो, व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो उसे कल के लिए मत टाड़ो, टालने को क्या कहते हैं, टालने को कहते हैं पुट ऑफ, उसको मत टालो। ही हैज हिज कैप, उसने अपनी कैप को उतार दिया, मतलब पहन रखी थी कैप उसको उतार दिया, मतलब क्या लिखेंगे, पुट ऑफ। ही विल हैव टू अवर प्लान्स फॉर अ ईयर, वो हमारे प्लान को एक साल के लिए स्थगित कर देगा या टाल देगा, तो हैव टू क्या कर, टालना पड़ेगा उसको, अपने प्लान को एक साल के लिए टालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टालने को क्या कहते हैं, पुट ऑफ कहते हैं, तो वही मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा पुट ऑफ। द मैच वॉज ड्यू टू बैड वेदर, बुरे मौसम के कारण मैच को भी क्या कर दिया, टाल दिया गया या
स्थगित कर दिया गया, तो अपने यहाँ पर भी क्या करेंगे, पुट ऑफ। अब ये कह रहा है लाइट प्लीज, लाइट्स को बुझा दीजिए, तो कैसे कैसे कहेंगे, पुट दी, पुट आउट द लाइट। यहाँ पर जो आप बोलेंगे पुट आउट द लाइट बोलेंगे। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ लिखा है द फैक्ट्री 400 कार्स अ मंथ। फैक्ट्री जो है एक महीने में 4000 कारें बनाती है। किस लिए बनाती है फैक्ट्री, किस लिए बनाती है, सेल के लिए बनाती है। तो सेल के लिए जब बनाते हैं तो उसको भी पुट आउट कहते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, फैक्ट्री पुट्स आउट, फैक्ट्री पुट्स आउट 400 कार्स अ मंथ। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द विंड द लैम्प, विंड मीन्स हवा, हवा ने लैम्प को बुझा दिया। तो यहाँ इसका दूसरा यूज देखिए, यहाँ पहले ब्लैंक में पुट भरेंगे और दूसरे में भरेंगे आउट। द विंड पुट्स द लैम्प आउट, ही इसमें उसने लैम्प को बुझाया सोने से पहले, तो यहाँ पर भी पुट आउट लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप पुट आउट लिख देंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, वेयर डू यू दीज डेज, आप आजकल आप कहाँ रुके हुए हो, वेयर डू यू दीज डेज, इन दिनों में आप कहाँ रुकते हो। तो इसको कहाँ लगाएंगे, रुकने को क्या कहते हैं, स्टे करने को क्या कहते हैं, पुट अप। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पुट अप, वेयर डू यू पुट अप दीज डेज। द मैटर वॉज, मैटर को बड़े ऑफिसर के सामने रखा गया या प्रस्तुत किया गया, तो उसको भी क्या कहेंगे, पुट अप, पुट अप। पुट अप का मतलब रुकना भी होता है, पुट अप का मतलब किसी के सामने प्रस्तुत भी करना होता है, जज के सामने कोई केस प्रस्तुत करते हैं तो वो भी पुट अप कहते हैं। यू मस्ट पुट अप ऑल द एप्लीकेशन बिफोर द प्रिंसिपल, बिफोर द प्रिंसिपल। ओके, ही अ फुल ऑफ चॉकलेट्स इन वन इवनिंग, उसने एक शाम डब्बा भरा हुआ था चॉकलेट का, वो सारा का सारा खा गया, इसका मतलब क्या करेंगे, उसने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर भी पुट अवे का यूज करेंगे, पुट अवे मतलब ही पुट अवे अ फुल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इन वन इवनिंग। द लाइब्रेरियन, अब ये तो कंज्यूम कर गया, यहाँ पर द लाइब्रेरियन द बुक एंड वेंट टू होम, लाइब्रेरियन ने सही जगह पर किताब रखी, मतलब यहाँ पर भी पुट अवे कहते हैं, कोई चीज़ सही जगह पर रखने को अपने पुट अवे कहते हैं। तो वी मस्ट पुट अवे अवर थिंग्स सो दैट वी कैन गेट इट अर्ली इन द मॉर्निंग एट द प्रॉपर प्लेस, सही जगह पर अपने को कोई चीज़ मिल जाए तो अपने को पुट अवे करना चाहिए उसको। ओके, ये था अपनी कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अब आगे देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स, पुट डाउन, पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है सबड्यू, दमन कर देना यानी कुचल देना। पुट डाउन का मतलब लिखना भी होता है, टू राइट, तो ध्यान देना है, एक मीनिंग नहीं होता है, फ्रेजल वर्ब्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं तो उन पर पूरा ध्यान देना। पुट इन, पुट इन का मतलब टू इन्वेस्ट मनी और वर्क इन ए जॉब, किसी जॉब के अंदर धन या मेहनत को इन्वेस्ट कर देने को अंग्रेजी में पुट इन कहते हैं। पुट इन का मतलब टू प्रेजेंट भी होता है, प्रस्तुत करना भी होता है। पुट बाय टू सेव मनी, धन बचाने को पुट बाय कहते हैं। पुट इन टू का मतलब टू ड्रैग इन टू, ड्रैग इन टू का मतलब फर्श पर घसीटना नहीं, किसी मामले में किसी आदमी को घसीटने को पुट इन टू कहते हैं। ओके देखिए, द राजस्थान गवर्नमेंट द रायट्स इन नो टाइम, राजस्थान गवर्नमेंट ने बिना देरी किए रायट्स दंगाइयों का दमन कर दिया, मतलब पुट डाउन। तो यहां आ जाएगा पुट डाउन, पुट डाउन। द मोबाइल नंबर्स, मतलब मोबाइल नंबर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, पुट डाउन द मोबाइल नंबर्स, पुट डाउन द मोबाइल नंबर्स। अच्छा, अपनी डायरी में ये लिख लीजिए, तो इट इन योर डायरी लिखा हुआ है तो अपने क्या लगाएंगे, पुट इट, पुट इट डाउन इन योर डायरी, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। द आर्मी द रायट्स, आर्मी ने रायट्स को दबा दिया, तो यहां पर दबा दिया मतलब उन्होंने कुचल दिया, तो यहां पर भी पुट डाउन यूज करेंगे। तो इस तरीके से पुट डाउन का यूज, ही हैज हिज क्लेम फॉर 5000 रुपीज, ही हैज हिज क्लेम 5000 रुपीज, यानी 5000 रुपये का क्लेम उसने प्रेजेंट किया, दावा किया, प्रस्तुत किया, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, पुट इन, ही पुट इन हिज क्लेम। तो यहाँ पुट इन का प्रयोग करेंगे, पुट इन हिज क्लेम, ही शुड। अब यहाँ देखिए, एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट,
इस पोस्ट के लिए उसे एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए, नहीं पुटिन पुटिन एन एप्लीकेशन, यहाँ पर भी पुटिन आएगा, तो पुट इन एन एप्लीकेशन। और पुटअप जो होता है, कोई अर्जी किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है, पुटअप। पुट इन का मतलब होता है एप्लीकेशन इसके लिए डालनी चाहिए या लिखनी चाहिए, ये पुट इन। पुट इन और पुटअप में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, सुरेश 25,000 रुपीज़ इन अ बिजनेस, बिजनेस में लगा दिए सुरेश ने, तो यहाँ पर भी पुट इन का प्रयोग करेंगे कि कोई चीज़ बिजनेस में लगाते हैं तो भी अपने पुट इन लगाते हैं। लिटिल मनी एवरी मंथ, वो हर महीने थोड़ा सा धन बचाता है, बचाने को क्या कहेंगे, पुट बाई, तो यहाँ पर पुट बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप लगाएंगे पुट बाई, थोड़ा बहुत धन हर महीने बचाता है। और वी मस्ट पुट बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम, हार्ड टाइम के लिए हमें कुछ धन बना बचाना भी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ये लिखा हुआ है, सी सम मनी फॉर हार्ड टाइम, सी पुट्स बाय सम मनी, तो यहाँ पर पुट्स बाय का यूज करेंगे। यहाँ पर भी अपने पुट्स बाय का यूज करेंगे क्योंकि सी थर्ड पर्सन है। डोंट मी द आर्ग्यूमेंट, मुझे इस बहस में मत घसीटिए या मुझे इस बहस में मत उलझाइए, उलझाने को घसीटने को पुट मी इन टू, तो यहाँ पर पुट मी इन टू का प्रयोग करेंगे। तो पहले में आ जाए पुट इन टू, मतलब घसीटना किसी आदमी को, नाजायज किसी बहस में घसीटने को पुट इन टू कहते हैं। तो ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स और हैं, पुट ऑन टू वियर अ ड्रेस, कोई ड्रेस पहनने को पुट ऑन कहते हैं। पुट ऑन, अब पुट ऑफ का उल्टा पुट ऑन है, पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट अप विद का मतलब होता है टू एंड्योर और टू टॉलरेट, सहन करना किसी को। पुट फोर्थ, निकलना होता है, जैसे पत्तियां निकलती है, कोंपने निकलती है, पुट फोर्थ होता है। पुट फोर्थ का मतलब होता है काम में लेना। यू मस्ट पुट फोर्थ ऑल योर एफर्ट्स, आपको अपने सभी प्रयास काम में लेने चाहिए। यू मस्ट पुट फोर्थ ऑल योर एफर्ट्स, अपने सभी प्रयास काम में लेने चाहिए। टू सक्सीड इन एनी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में सक्सीड करने के लिए पुट फोर्थ ऑल योर एफर्ट्स। पुट फोर्थ का मतलब स्प्राउट्स भी होता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी नीम ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन 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 रेनी सीजन। ओके, टू अक्रॉस, टू एक्सप्रेस और कन्वे, टू अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज अभिव्यक्त करना। वी मस्ट टू क्रॉस अवर सेल्स इन फ्रंट ऑफ द नीडी, नीडी के सामने अपने को टू क्रॉस करना चाहिए। पुट फॉरवर्ड, टू प्रेजेंट अ कंसिडरेशन, यानी टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, यानी विचार विमर्श के लिए कोई चीज सुझाव देने को अंग्रेजी में पुट फॉरवर्ड कहते हैं। जैसे इसमें योर कॉट लिखा हुआ है, तो पुट योर कॉट ऑन, इस तरीके से कि अपने कोट को पहन लो, तो इसमें पहले में आएगा पुट योर कॉट ऑन। ही इज द न्यू क्लॉथ्स टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, वो मैरिज सेरेमनी के लिए क्या कर रहा है, अपने नए कपड़े पहन रहा है, तो यहाँ पर भी ही इज पुटिंग ऑन द न्यू क्लॉथ्स टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। कुंती कुड नॉट हर इंसल्ट, कुंती अपने इंसल्ट को सहन नहीं कर सकती, तो इसका मतलब पुट अप विद हर इंसल्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फुलिस फ्रेंड, कोई मूर्ख मित्र है, फुलिस फ्रेंड है, उसको भी सहन करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपने पुट अप विद। ओके, ट्रीज न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, ट्रीज जो है स्प्रिंग के सीजन में क्या करते हैं, नई पत्तियां फूटती है, फूटने को क्या कहते हैं पुट्स फोर्थ, तो यहाँ पुट फोर्थ का प्रयोग करेंगे क्योंकि ट्रीज प्लूरल है। पुट फोर्थ, ही हिज बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, उसे अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बेस्ट एफर्ट लगा दे चाहिए, मतलब बेस्ट एफर्ट्स को काम में लेना चाहिए, तो यहाँ पर भी आप किसका यूज करेंगे पुट्स फोर्थ, तो अपने बेस्ट एफर्ट्स को वो उसमें लगा देता है, उसको भी आप पुट्स फोर्थ के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए इसमें, ही कुड नॉट हर आइडियाज इन द मीटिंग, मीटिंग में वो अपने आइडियाज को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सका, इसका मतलब व्यक्त करने को यहाँ कहते हैं पुट अक्रॉस को व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना है। हिज केस वॉज इन द मीटिंग, उसका केस मीटिंग में विचार विमर्श के लिए रख दिया गया, तो इसको कहेंगे पुट फॉरवर्ड, तो ये आ जाएगा पुट फॉरवर्ड। तो ये हमारी कुछ
20 फ्रेजल वर्ब्स है, आप सबको करनी है। ये 20 मिनट्स का वीडियो है, इसको ध्यान से देख करके इन फ्रेजल वर्ब्स का जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप जरूर क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि हमने कितना सीखा। थैंक यू।